सहकारिता में प्रदेश का भविष्य निहित है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से अगर कोई चीज छुटकारा दिलवा सकती है तो वह केवल सहकारिता है। ये बात सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन की सब्जी मंडी में कार्यक्रम के दौरान कही, जहां उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन 1892 में ऊना में हुआ था, लेकिन हिमाचल इसमें सराहनीय प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन अब समय आ गया है कि हिमाचल में कार्यरत विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों का उत्थान किया जाए, ताकि वे भविष्य में बेहतरीन कार्य कर सकें। सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार ने 74 करोड़ की राशि ICDP प्रोजेक्ट के तहत सोलन के लिए मंजूर की है, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो धन के अभाव के कारण अपने आप को विकसित नहीं कर पा रही है, उन्हें 20% तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही उन्हें 20% का अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे जिला सोलन में सहकारिता एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में विविध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि सोलन जिला के लिए तकरीबन 74 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ICDP प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो शुरू हुआ है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये राशि जो है ये हमारी जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं हमारे जिला के अंदर उनको विविध कार्यों के लिए ये राशि जो है वो दी जाएगी। और इसकी विशेषता ये है कि 20% जो है जो भी राशि जिन सोसाइटियों को दी जाएगी ये ऋण के रूप में है, और इस पर 20% जो है वो अनुदान होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होने से और इसके माध्यम से जो धनाभाव क्योंकि सोसाइटीज़ को रहता है, और धनाभाव के चलते सोसाइटीज़ जो हैं काफ़ी एक आवश्यक कार्य जो कि उनको करने हैं जो कि धनाभाव में नहीं हो पा रहे हैं, अब मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटीज़ के विभिन्न गतिविधियों को जो है इससे गति मिलेगी, और सहकारिता जो है वो अपने सही अर्थों में सही दिशा में ये आंदोलन के रूप में जो है ये आगे बढ़ेगा।